खुश आमदीद उमरा बेटी। आप भी खुश रहिए दुमा। खुश आमदीद। खुदा के वास्ते मुझे माफ करना उमे साहब है। उमरा तुम्हारे घर में जगह घेरने आ गई। तुम लोग मेरे घर की जगह थोड़ी ना घेरोगे। मेरे हाथ पैर तो मुख्तार ने बांध दिए हैं, जिसने घर को मैदान जंग बना दिया है। तुम देख तो रही हो। किस कदर फजूल की बकवास कर रही हो नारिया। तो फिर उमरा को क्या कहना चाहिए, जिससे मुख्तार ने उसे घर से दूर कर दिया। बकवास ना करूं तो मुझे कुछ हो जाएगा दुमा। मैं जहन्नुम में जाऊं। आपने अपने आप को इस बुढ़ापे में गरीबुल वतन बना दिया है। मैं गरीबुल वतन नहीं हूँ, अगर तुम जरा सा अकल से काम लो। इतना मत करो नारिया। इतने साल मुख्तार के साथ जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम सिर्फ घर और जौजियत के बंधन में नहीं हो। बीबी जी, ये गठरियां वगैरह क्या जाविया के कमरे में ले जाऊं? नहीं सरबी, मेरे कमरे में ले जाओ। मैं और उमरा एक साथ कमरे में रहेंगे। जी अच्छा दुमा बीबी, आपका हुक्म सर आंखों पे। माफी चाहती हूँ दुमा, मुझे डर है कि कहीं हुर्रा आपको तंग ना करे। बहुत ज्यादा शरीर बच्ची है वो। जैसे भी हो, मुख्तार के बचकाना हरकतों से ज्यादा नहीं होगी। मुझे पता है उसे कैसे संभालना है। में जितना कम से कम खून बहेगा उतना ही हमारी हुकूमत की बुनियादें मजबूत होंगी और बाद में भी हमारे लिए कम से कम खतरे पेश आएंगे। कूफे का तीन तिहाई हिस्सा आले जुबैर की बेयत में है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग बगैर मुकाबले के शहर को हमारे हवाले कर दें। जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। जंग में हलवा खैरात नहीं होता। मारोगे नहीं, मारे जाओगे। देखो इब्राहिम, वाली कूफा के पास इतने सिपाही और फौज नहीं है कि वो कयाम के खिलाफ खड़ा हो सके। तो फिर क्या करेगा? अपने इत्तेहादी कबीलों को मैदान में ले आएगा। चाहे उसके लिए उसे उम्मवियों से अपनी छोटी दुश्मनी को खत्म करके उन्हें भी मैदान में लाना पड़े। हमें इसमें पहल करनी होगी। मसलन क्या करें अबू इसहाक? मुखालिफ कबाइल के सरदारों से बात करनी होगी। हमें उन सबको मुतमईन करना होगा कि उन्हें हमारी जानिब से जान की अमान है, बशर्ते कि वो वाली गुफा का साथ न दें। मतलब हम सारे मुखालिफ सरदारों से मुज़ाकरात करें? सारे नहीं इब्राहिम, सिर्फ उन लोगों से जो आशुरा में नजारा करते रहे और यजीदियों का साथ नहीं दिया। सियासत में हमेशा सबसे आखिरी तदबीर जंग होती है। खुदा गवाह है कि मैं कूफे में घर घर की जंग के लिए राजी नहीं था, मगर क्या करूं, मेरी तदबीर की तरकश में जितने भी तीर थे सब फेंक चुका हूं। मुख्तार का कयाम नरमी, मोहब्बत, इम्तियाजी सुलूक और हुकूमती मामलात में शमूलियत देने से हल होने वाला नहीं है। मुख्तार कूफे पर हुकूमत करना चाहता है, और वो भी हुकूमत हिजाज के साए तले नहीं। एक शियों की खुद मुख्तार और आजाद हुकूमत, जिसका खुल्लम खुल्ला पहला हदफ आले अली के मुखालिफों से खूनी इंतकाम लेना है। जो कुछ अर्ज कर रहा हूं मुबालिगा नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। मेरी मुख्तार से बहुत पुरानी दोस्ती थी। शाहिद हूं कि खलीफा ने कूफे की अमीरी का हुक्म उसे दिया, मगर उसने कबूल न किया।
मैं वहीं पर मुख्तार के मकासद को पहचान गया और उससे दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। बहरहाल मर्जी है आप लोगों की। अगर आप लोग इस हुकूमत के साये से नहीं डरते जो मुख्तार बनाना चाहता है, तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट कर मक्के की तरफ चला जाता हूँ। और अगर ऐसी किसी हुकूमत को नहीं लाना चाहते तो मेरे हाथ में हाथ डालिए और घर घर की जंग से मत घबराइए और अपने तमाम तलवारबाजों के साथ मैदान में उतर आइए ताकि मुख्तार और उसके साथियों को मिलकर खत्म कर दें। क्यों हंस रहे हो पिसरे साथ? माफी चाहता हूँ, बहस में मिठास पैदा करने के लिए, इन हजरात की घबराहट को खत्म करने के लिए जिनकी काफी तकरीरें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। सुनिए, एक दिन लोमड़ी ने एक ऊंट को सोए हुए देखा। उसने चाहा कि ऊंट से मजाक करे, अपनी दुम को ऊंट के दुम से बांध दिया। ऊंट उठा और लोमड़ी हवा में मौलक रह गई। एक ऋण ने हमको देखा, उसने लोमड़ी से पूछा ये सब क्या है। लोमड़ी ने चिल्लाकर फरियाद और गिरिया किया और कहने लगी ये उसकी हालत है जो बड़ों से नस्बत जोड़े। ये वाकया हम जैसे लोगों के लिए मिसाल है जो लोमड़ी है और अपनी दुमों को आप जैसे बड़ों की दुमों से बांधा हुआ है। उमर, बदतमीजी मत करो। कौन सी बदतमीजी शेवर, हम दोनों की यहाँ कोई औकात नहीं है। हमारा इस मुशावरत में काम ही क्या है? तुम्हें याद नहीं, पिछले हाकिम जैसे ही कूफे में आते थे, अपना रोब जमाने के लिए सबसे पहले हमारे मुंह पे थूकते थे, हमारे पीछे एक लात मारते थे। अच्छे और बुरे को एक सा ना कहो पिसरे साथ, मेरा मामला दूसरों से जुदा था और है। अच्छा और बुरा एक सा हो गया है। अमीर कूफे को एक ऐसा अमीर चाहिए जो कूफे को पहचानता हो। एक दिन ऐसा ना गुजरा कि मेरे कूफे के पिछले अमीरों को मुख्तार के खतरे से आगाह ना किया हो, उनमें से किसी ने ना सुनी, उनमें से कौन समझा। अब जबकि मुख्तार एक साथ सरों वाला अजदहा बन चुका है तो उसके सर को पत्थर मारना चाहते हैं आप। अगर ये सब लोग आपके हाथों में हाथ डालकर चले फिर भी मुख्तार के एक सर को कुचल सकते हैं, उसके बाकी छह सरों का क्या करेंगे? और क्या मालूम कि आप भी उस अजदहा के सरों में से एक सर हो जो मुख्तार के साथ मिल गए हो और हमें अजदहे के मुंह में धकेल रहे हो। आप मुख्तार के दोस्त थे या नहीं थे? आप मुख्तार और खलीफा के दरमियान वसीला थे या नहीं थे? आप बहुत हो गया पिसरे साथ, बहुत हो गया। मैं खलीफा को लिख देता हूँ कि पिसरे साथ सबसे समझदार है और कूफे को पहचानता है और कूफे की अमीरी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। मुझे हटा दीजिए और इसे बिठा दीजिए। तुम ये बातें किस लिए कर रहे हो? तुम समझते हो मुख्तार मेरे अमीरे कूफा होने की वजह से कयाम करना चाहता है? कूफे को तुम लोगों ने ये दिन दिखाया है। मुख्तार के खौफ से पागल हुआ जा रहा है और मुझ पर मिल जाने की तोहमत लगा रहा है। अफसोस है नादानी पर, खुदा की पनाह नाफहमी से, खुदा की पनाह जहालत और बेवकूफी से। अफसोस, अफसोस, अफसोस। आप सब जानते हैं कि उमर आजकल वहम और माले खोलिया में मुब्तिला हो गया है, अपने साये से भी डरता है। फिर उसे इस महफिल में क्यों बुलाया? अगर उसे न बुलाते तो फिर खलीफा को कोई खत लिख देता और हमारी तारीफ करता। तुम क्या समझते हो बिन यजीद की खबरें खलीफा के लिए कौन लिखता था? अगर इजाजत हो तो बातें करना चाहता हूँ। बोलो शबस, बोलो। हमने आप लोगों को बुलाया इसलिए है कि बैठकर दिमाग लड़ाएं और हल निकालें। मुझे नहीं मालूम उमर साद ने हिमाकत क्यों की, मैंने तो अब तक उसकी कोई तोहीन नहीं की। इंसान सरापा खता का पुतला है, हम सब हजरत आदम की नस्ल से हैं, गलतियां करते हैं, बुराइयां करते हैं। उमर भी इस आफत से बचा हुआ नहीं है, उसे थोड़ा सा हक दीजिए। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं, दिन रात लोगों के ताने दुश्ने सुनता है। उमर एक दिलेर इंसान है, एक गयूर कबीले से ताल्लुक रखता है, उसका होना मानी खेज है। यह मसलहत के खिलाफ है कि इन हसास और बोरानी हालात में हम उसे गंवा दें। हमें तो कोई एतराज नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो उसे हरगिज ना बुलाते। वही है जो हमारे खिलाफ हो गया है। हर इंसान की एक अना होती है, उसका मामला मुझ पर छोड़ दें।
मैं वादा करता हूँ कि उसे वापस ले आऊंगा। आप हमारी जानिब से वकील हो गए। मुख्तार का मसाला बड़ा है, मगर इतना नहीं कि उमर साद उससे बिल्कुल ही मायूस हो गया है। अगर सब मैदान में उतर आए और आपस में हर बंदा कूफे के एक मोहल्ले की नाकाबंदी कर दे और किसी परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना दे, तो यकीन रखिए कि अय्याज और उसके सिपाही इस पर कुदरत रखते हैं कि मुख्तार और उसके एक एक साथी को शिकार कर ले। शियों के सरदार को पीट दो, बकिया लोग खुद सीधे हो जाएंगे। उमर, शैतान के बहकावे में मत आओ, हमें अकेला मत छोड़ो। खुदा की कसम, अगर मुख्तार जीत गया तो बकौल तुम्हारे वो ऐसा सात मुंह वाला अजदहा है जिसकी खुराक मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ मुख्तार के साथ क्या करना है। किसी को मेरी जान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुमने कोई तरकीब सोची है तो बताओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने देख लिया कि तुम और शिवर किस तरह उसके दरवाजे पर सवाल लटकाए खड़े थे, जिसे मैं अपने घर का दरबान बनाने के काबिल भी नहीं समझता। आप लोग अपने उसी महबूब और मकबूल वाली के साथ रहिए, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। तुम तो अकलमंदों में से हो उमर, ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। आले जुबैर और उसके कारिंदे लादीन बेगैरत और मुनाफिक हैं। उन्होंने मशवरे की महफिल में किसी खैर ख्वाही के इरादे से नहीं बुलाया। तुम्हारे मोहताज हैं ये लोग बेवकूफो, ये लकीर और ये निशान। अगर इनका गधा पुल से गुजर जाने के बाद तुम लोगों को किसी जख्म साफ किए हुए कपड़े की तरह दूर न फेंक दिया, तो उमर साद अपने बाप का बेटा नहीं। वाकई तुम्हारी अकल घास चरने गई है। बकौल चिमर के कि तुम ज़हनी मरीज हो। हम सब जानते हैं कि आले जुबैर का कूफे वालों से मदद मांगना महज उनकी चालाकी है, मगर हम क्या करें? हम आले जुबैर की नौकरी करें, ये उससे कहीं बेहतर है कि अपनी गर्दन मुख्तार की नफरत की तेज तलवार के आगे झुका दें। अंधा कभी भी दोबारा अपनी लाठी नहीं खोता। आप लोग जुबैरियों के हाथों का खिलौना बनना चाहते हैं तो बन जाइए। मेरे लिए मुख्तार के हाथों मर जाना इससे बेहतर है कि मैं इन चंद गधों की औलादों के हाथों का खिलौना बन जाऊं। तुम मशकूक लग रहे हो उमर, मुख्तार का साथ देने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अभी मैं इतना पागल भी नहीं हुआ। अगर सूरज के मगरिब से तुलू होने की खबर सुन लूं, तो फिर ये समझ लेना कि उमर इब्साद और मुख्तार दोस्त बन गए, क्योंकि मेरी और मुख्तार की एक आदत बहुत मिलती जुलती है। हम दोनों का जब्त एक समंदर के जितना है। मैं हमेशा मुख्तार से दुश्मनी रखना ही पसंद करता था, हमेशा मैं ही जीता हूं। अगर तुम मुख्तार की तलवार से बच गए और जिंदा रह गए, तो जरूर देखोगे कि मैं कैसे मुख्तार के खून का प्याला पीता हूं। अबू नवाज, आग बहुत भड़क रही है, इसे कम करो ताकि ठीक से पक जाए। जी अच्छा। उम्मे शहाब जी, मामा जी, अच्छा बानो, आखिर ये लोग कब तक मुफ्ते का लंगर खाते रहेंगे? क्या पता बहन, ये जो लाओ लश्कर नजर आ रहा है, जब तक सारा माल पानी खत्म नहीं कर देंगे जान छोड़ने वाला नहीं है। बिलाखिर जुबैरियों ने भी अपनी खबासत दिखा ही दी। कूफे का नया अमीर आशुरू के जालिमों के साथ मुत्तहिद हो गया है और क़याम का मुकाबला करने का इरादा रखता है। मैं इस मुकाबले के लिए दिन गिन रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो उमर साथ जैसे काले धब्बे को कूफे के दामन से साफ कर दूंगा। बशर्ते कि वो अपने मरून साथियों की तरह मैदान में उतर आए। उमर साथ जैसे खबीस का नामा अमाल पहले ही काफी हद तक काला है, उसका मैदान में आना लाजमी नहीं है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमला करने वाला अपनी हर चीज से असलहा बना लेता है,
यहां तक कि अपनी कमर की शाल से, अस्तर की दस्तार से या गधे की लगाम से। ए औरत, कहां जा रही हो? तुम्हारे बाप के कातिल को शिकार करने जा रही हो। मेरे बाप का कातिल? ऐसा कोई कातिल उसकी माँ ने नहीं जना। तुम्हारे बाप का पागलपन तुम पर भी तारी हो गया है क्या? हटो सामने से। हर जगह की नाकाबंदी कर दी गई है। बाबा के हुक्म के मुताबिक हमें नाकाबंदी नहीं तोड़नी। अगर नाकाबंदी तोड़ दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाबा को पसंद नहीं कि उनकी बीवी नाकाबंदी तोड़ दे और हाकिम कूफा का एहसान लेना पड़े। वक्त आने पर पूरी कौम और कबीले के साथ नाकाबंदी तोड़ देंगे। हटो सामने से। सीना तान के मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। घर का दरवाजा खोलोगी तो तुम्हारा खून बहा दूंगा बुढ़िया। नहीं, खोल के दिखाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा बेटा है जो अपनी माँ पर तलवार उठाए हुए है। वाय हो मुझ पर, मेरा ऐसा नसीब था और मैं जानती न थी। मैं रखो मेरे बेटे, वो दुश्मन नहीं दोस्त है। बाबा जान, आपने आज तक दोस्तों से कम चोट नहीं खाई है। बकौल आपके, सियासत माँ बाप को नहीं पहचानती। ये औरत अगर दोस्त होती तो नाकाबंदी ना तोड़ना चाहती। देख रही हो जारिया, हूबहू मेरी जवानी की तरह हो गया है, गैरतमंद और होशियार। ये बाप बेटे को क्या हो गया है? ये कौन सी हौलनाक हालत है? तुमने इस बच्चे के क्या कान भरे हैं कि इसने तमाम दर रिश्तों का सरगलम कर दिया। बदबख्त जारिया, लानत है तुम्हारे मनहूस सितारे पर। औरत, इस देवनुमा बच्चे को मैंने जना है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता। तुम अपनी माँ को मार डालना चाहते थे? फिर रोना शुरू कर दिया इसने। बाबा, आखिर औरतें ऐसी क्यों होती हैं? ऐसी हैं मेरे बेटे, रोना जानती हैं, फरियाद करना जानती हैं, डंडोरा पीटना जानती हैं। पागल हो गई है बुढ़िया। बदकार मुझ पर तलवार खींच रही है। पागल हो गई है क्या? तुम्हारे बाप को आज दिखा दूंगी कि किसके खिलाफ खड़े हो तुम लोग। बहुत जोश आ गया है तुम्हें, बहुत जोश आ गया है। हाँ, क्या कर रही हो जारिया? उठाओ, दीवानी हो गई हो। मारो मुझे। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं जितना खामोश रहती हूँ और दांत भींच के बैठ जाती हूँ, तुम और तुम्हारा पिल्ला उतना ही जोश मारते हो। अगर इसको ठीक नहीं किया तो मेरा नाम जारिया नहीं। बोलो मुझसे गलती हुई, बोलो मुझे माफ कर दे, बोलो मैंने अपने बाप की बीवी का मजाक उड़ा दिया। गलती किया मैंने नहीं। मुंह बंद करो हफस, मरना चाहते हो? मुबारक हो, तुम्हारी बात ठीक निकली अबू इसहाक। इंतकाम में हुसैन के झूठे दावेदार कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गए हैं और आज से हर कबीला एक मोहल्ले की नाकाबंदी करेगा। उमर साद की क्या खबर है? फिलहाल उमर साद वो वाहिद शकी है जो मैदान में नहीं आया। बजाहिर उसमें और उसके साथियों में दरार पड़ गई है। शबस को हुक्म मिला है कि उससे बात करें। फौरन इब्राहिम को पैगाम दो कि वो जल्द से जल्द मेरे पास पहुंचे, आज रात। जी अमीर। कारंदों की नाकाबंदी में सारे रास्ते बंद हैं, कत्ल कर देंगे तुम्हें।
मार दें, कम से कम इससे तो बेहतर है कि हम खुद अपने आप को मार दें। कहाँ जा रही हो? मैं अपने भाई मुख्तार के घर जा रही हूँ। किस लिए जा रही हो? मैं अमाननामा लेने जा रही हूँ। मुख्तार कौन सा जानवर है जो मुझे अमान देगा? वो गौर से सुनो जारिया, अगर तुम्हारे पांव मुख्तार के घर तक पहुँचे तो इस घर को भूल जाना, अगर वापस आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम इस दोजख को घर कहते हो? तुम खुद जानते हो कि ये मुख्तार का दौर है। तुमने आले उमैया और आले जुबैर के लिए क्या कम तुम हिलाई है? तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम तो हर गधे घोड़े को लबैक कहने वाले थे, बस एक बार मुख्तार को भी लबैक कह दो। मैं अपनी बात कह चुका हूँ, इतना मेरे सामने मुख्तार मुख्तार मत करो। तुम्हारा भाई मेरे लिए एक मच्छर से भी कमतर है, मुझे उसके अमान नामे की कोई जरूरत नहीं। बहुत खूब, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अमान नामा ले लूंगी। मत जाओ बुढ़िया, अपने आप को इतना हकीम मत करो। मुख्तार सालों से ऐसे ही किसी दिन के इंतजार में है। मत जाओ। खुदा तुम्हें गारत करे मुख्तार। तो आमद मना है हमशीरा, सुना नहीं आपने? माफ कीजिए बानो, रास्ता खोल दीजिए, जानने वाली हैं। कुछ अफराद बानो को मंजिल मसूद तक पहुंचाएं। जरूरत नहीं है, साथ चलने की जरूरत होती तो मैं खुद अपना लश्कर ले आती। जाओ बहन, कहाँ जा रही हो? अपने भाई के घर जा रही हूँ। अकेली क्यों जा रही हैं? आपके साथ कोई मर्द क्यों नहीं? शायद हमारे मर्द मर चुके हैं, आपसे क्या वास्ता कि लोगों के मामलात में दखलंदाजी करें? ज्यादा बकवास मत करो बेवकूफ, कहीं ऐसा ना हो कि सिपाहियों की तौहीन के जुर्म में तुम्हें तमीज सिखाने के लिए भिजवा दूं। मुझे तमीज सिखाओगे बदतमीज? अगर तुम्हें तमीज होती तो औरतों पर रास्ता बंद ना करते। मैं हूँ उमर बिन साद की बीवी, आइए मुझे तमीज सिखाइए। आपको पजावेदार ऊंट पर बैठना चाहिए और गुलामों की दोष पर आमदरफ्त करनी चाहिए, इस तरह अकेले नहीं। अगर आप बता देती कि कौन है तो आपके नौकर रास्ता रोकने की गलती भी ना करते। तुमने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ? इजाजत दें तो कोई महाफी साथ भेज दूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम में इतनी जरूरत होगी कि मुख्तार के घर तक साथ चल सको। ये काम तुम्हारे बस का है, सिर्फ तुम ही हो जो मुख्तार के सामने जा रही है कि सिफारिश कर सकती हो। नारिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम तो मुख्तार को जानती हो। हम सबको दुमा का दामन थामना होगा। सिर्फ एक शर्त पर उमर को अमान दूंगा। कैसी शर्त? उमर को कसम खानी होगी कि वो और उसका कबीला मेरे खिलाफ खड़ा ना हो और मेरे दुश्मनों का साथ न दे, ना उमवियों का और ना जुबैरियों का। खुदा की कसम मुख्तार, उमर का यही इरादा है। अगर यूं ना होता तो वो भी मैदान में उतर आता और किसी मोहल्ले की नाकाबंदी कर देता। जिंदगी में अगर कोई ढंग का काम किया होगा तो वो यही होगा। कह दो कि अपने इसी फैसले पर कायम रहे। खुदा तुम्हें मजीद इक्तदार से नवाजे मेरे भाई, अगर एक अमान नामा भी लिख दो तो उमर को कुछ ढारस हो जाएगी। कौन सा अमान नामा, जबकि अभी बादी शुरू ही नहीं हुई। मेरी जबान ही अमान नामा है। अगर खुदा ने चाहा और मैं मैदान ले गया तो फिर अमान नामा भी लिख दूंगा। इसका खुदा भी एक ही और जबान भी एक, यूं जिद मत करो जा रही हूं। और आप भी पहले की तरह इस घर में आमदोरफ्त मत कीजिए। मेरे दोस्त समझ गए तो मेरा साथ छोड़ देंगे।
इब्राहिम है। ये अस्तर की मक्खियों का रिला जब तक हुकूमत के फूल का रस चूस कर उस रस से चकाकी छत्ते पर शहद ना बना ले, जान छोड़ने वाला नहीं। आप लोगों ने आमदरफ्त ममनू होने का कानून नहीं सुना? भूलिए तो बता रहे हैं तुम लोग बागी हो। सबसे बड़ा गधा आगे आकर बताए कि कौन हो तुम लोग और किस कबीले से हो। हम आदमजाद हैं, जानवरों की जबान नहीं जानते। क्या तुम लोगों के दरमियान कोई ऐसा है जो इंसानों की जबान में बात करे, इंसानों की तरह पूछे और इंसानों की तरह जवाब सुन सके? अगर तुम लोग इंसान होते तो अमीर कुफा और नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कभी ना करते। तुम हमारे कैदी हो इब्राहिम। किस जुर्म में? किस जुर्म में? नंबर एक, नाकाबंदी तोड़ी है तुमने। नंबर दो, अपने हंगामा आराई करने वाले दोस्त के घर जा रहे हो। नंबर तीन, तुम्हारा नाम उन लोगों में है जो अमीर कुफा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रास्ता खोल दो बेवकूफ। और अगर ना खोलूं तो? अबाकुत, इधर आओ। ले जाऊं अमीर? उसे समझाओ कि वो तस्लीम हो जाए, वरना मैं इन लोगों का खून बहा दूंगा। जी अमीर। क्या हाल चाल है इब्राहिम? ठीक ठाक अबाकुत, अपना नेजा दिखाओ। हम्म, इब्राहिम, तुम्हारी और मुख्तार की कुछ गलत खबरें अमीर को मिली हैं। तमाम कबाइल मुसल्लह हो गए हैं। कूफा कमोबेश 10,000 तलवारबाजों की नाकाबंदी में है। अमीर कूफा को अब तक उम्मीद है कि तुम मुख्तार की बैत तोड़कर अपने आप को मुख्तार के मार्ग से दूर कर लोगे। ये जंग मुनसिफाना नहीं थी। मेरे बाप को नाम मर्दों की तरह मारा गया है। अगर मैंने नकई कबीले की तमाम औरतों को बेवाना किया तो मैं मर्द नहीं। तुम्हारा खून बहाकर रहूंगा इब्राहिम। तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। बेकार तो तुम लोगों का खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। उठो राशिद, उठो। तुम्हारे जैसे दलेर से बईद है कि औरतों की तरह क्रिया करो। उठो और दांत भींच कर कोई तरकीब सोचो। तुम्हारा बाप बड़े फख्र से मारा गया। ये जख्म सिवाय किसास के नहीं सूखेगा अमीर। मैं कसम खाता हूं कि सुबह होने तक अश्तक के बेटे का सर नेजे पर उठा लूंगा। मरहबा बहादुर, मरहबा। अब से तुम्हारे बाप की जगह पर कूफे के सिपाहियों के अमीर तुम हो। जाओ और अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करो। जाओ। जी अमीर। बिलाखिर मुसीबत आ ही गई। तुम्हारा बुरा हो मुख्तार कि तुम सिर्फ बुग्ज लिए बैठे हो। जो कुछ हुआ उसी में खैर है। अयाज इब्ने मुजारिब के मारे जाने से इब्राहिम ने कयाम का पहला कदम अपने नाम लिख दिया। अयाज कोई मामूली आदमी न था। उसके मरने की खबर बगैर किसी शक के दुश्मन को हिला के रख देगी। इस हादसे को नेक फाल करार देकर आज ही रात से कयाम कर लेंगे। माफी चाहता हूँ अमीर, आज रात 12 रबी है और हमने 14 रबी की तारीख तय की थी। अपने साथियों को कैसे बाखबर कर सकते हैं? जानता हूं बिन कामिल, मगर अयाज के मारे जाने से दुश्मन दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से हमला आवर होगा। अगर हम उसका जवाब ना दें तो वो कयाम को नाकाम बना देगा। इन लोगों के आज रात कुछ इरादे नजर आ रहे हैं।
शायद। शक मत करो, यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। खुदा करे कि कोई बुरा वाकया रोनुमा ना हुआ हो। जंग के सिवा और क्या होगा बहन? वही तो है जिसके लिए मुख्तार के सर में दर्द है। अगर जंग ना हुई तो जो तुम्हारे दिल में है वो बोल देना मुझे। जंग तो कुछ भी कह लो होकर रहेगी। खुदा करे कि उन्हें गफलत में ना डाल दिया हो दुश्मन ने। मुख्तार ने अब तक अपने तमाम साथियों को जमा नहीं किया है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मुख्तार। खुदा की कसम मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा हसीन लम्हा नहीं देखा। या नसरातुल हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिन मुनकज, जाओ और छत पर आग लगा दो। खुदा का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले किया में मुख्तार देख लिया। आज कमर दर्द अकरा तो नहीं है ना साकिब? मैंने आसमान पर एक सितारे को आपके नाम से मौसूम कर दिया है। आज हर रात से ज्यादा कोहराम है। इश्क़ अली के साथ हमला कर दो मेरी बेटी। चलाई है इन लोगों ने। किस लिए? ये मुख्तार की मौजूदात में से है। मैंने सुना था कि जब मुख्तार कायम करेगा तो कूफे की छतों पर से आग उबलेगी। ताज्जुब है, तो मुख्तार का इरादा हुकूमत करने का नहीं, वो रिसालत का दावा कर रहा है। पनाए खुदा, पनाए खुदा, इस तुम कटे झूठे से कुछ बईद नहीं। यकीनन इस तरह के और भी मौजजात आस्तीन में रखता है। सुनो, तुम सुन रहे हो? ऐ जीतने वाले मार दो, ये तो असहाबे बदर का नारा था। आज रात से ये मुख्तार के असहाब का नारा है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जनाब शिम कहाँ है? हाँ हाँ, फिर कुछ हो गया क्या? ये आवाजें नहीं सुन रहे? कूफे की छतें गोया जहन्नुम बन गई हैं। ये आग नहीं देख रहे? हाँ सिपाही, क्या अशर का बेटा अब तक बाजियां दिखा रहा है? जनाब शिम, अमीन ने आपको तलब किया है।
तीरंदाजों को छतों पर भेज दो कि वहां छुप जाएं। जो भी मशकूक सया मैदान के करीब आए उसे मार डालो। सहल मेरे साथ आओ। गमगीन अमीर की खिदमत में ताजियत पेश करता हूँ। बेशक अयाज हमारे लिए एक मजबूत दीवार की तरह था, अफसोस कि वो हमें बहुत जल्द छोड़ गया। खुदा उसे उम्मत के नेक और साले लोगों के साथ महशूर करे। शिम्र, अयाज की मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। यकीनन तुमने सुना होगा उसे कैसे मारा गया। अयाज को गफलत में मारा है, और ये इस बात को मानने की खुली दलील है कि दुश्मन अपने नाजायज मकासद के लिए हर हर बार आजमा सकता है। खुदा की कसम मुख्तार की हंगामा आराई से लड़ने के लिए यही बहाना काफी है। मैं और मेरा कबीला मरते दम तक साथ देंगे अमीर, और दुश्मन की आज रात की हरकतों से जर्रा बराबर भी नहीं घबराते। मरहबा इब्ने ज़िलजोशन, मरहबा। आपके दुश्मन ने आज रात अपनी छुपी हुई कुदरत जाहिर कर दी, और आपने अपनी आंखों से देख लिया और उसे पहचान लिया। मैंने चाहा कि आप लोग आएं और पूरी मारफत के साथ दोबारा बैत करें। आप लोगों की आज की रात की बैत बिल्कुल बैत रिजवान से शबाहत रखती है। खुदा आप लोगों को अस्हाबे रिजवान में करार दे। जनाब अमीर, मुख्तार के ज्यादातर साथियों में अजमों और गुलामों की अक्सरियत है। उसने अरब और अजम को एक कर दिया है, और अरबों की इज्जत और शराफत को पामाल कर दिया है। अगर बफर्ज़ महाल उसका दीन एक सही दीन हो, जो कि नहीं है, अरब और अजम को एक बराबर कर देना एक नाकाबिल माफी गुनाह है, और मैं इसी दलील की बिना पर आखिरी सांस तक मुख्तार से लड़ूंगा। शाबाश सबस, शाबाश। ये सब दलीलें हमारे हक में है और मुख्तार के खिलाफ। कूफे के लोग मस्जिद में जमा हैं और अमीर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, जाइए और मुख्तार और उसके देलमी लश्कर के खिलाफ नई सफें सजाइए। जाइए। तो कम से कम 3,000 फौजियों के लश्कर का है। ज्ञान है, आज फिर सबसे 4 हाथ आगे है। हाँ मेरा है।
ابو اسحاق، تمہیں اجموں کے اس لشکر پر تانے دیے جائیں گے، اس بارے میں ذہنی طور پر تیار ہو؟ ہاں ابراہیم، جانتا ہوں. عرب کے شریف لوگ تمام اجموں کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتے ہیں. یقیناً ان کی ہم سے دشمنی اس بنا پر اور بڑھ جائے گی کہ ہمارے پاس اجموں کی ایک بڑی تعداد ہے. تمہاری کیا رائے؟ عرب کو اجم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ابو اسحاق، ہم سب بھائی ہیں. یہ ہمارے پیشوا علی کی روش ہے. تمہارے انقلاب میں اگر علی کی رنگ و بو نہ ہوتی تو اس کی کوئی قیمت نہ ہوتی. ہم نے دین علی کو برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، ہم عدل علی کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بے شک تم مالک کے خون سے ہو ابراہیم. خدا اگر مختار کو نہ چاہتا تو ابراہیم کو اس کے ساتھ نہ کرتا. شرمندہ کر رہے ہو ابو اسحاق، میں آج رات تمہارا مقروض ہو گیا. میں جتنا بھی کام بگاڑ رہا ہوں تم اسے نظر انداز کر رہے ہو. یقین کرو میں ایاز کو ماننا نہیں چاہتا تھا، میرا ہاتھ میرے اختیار میں نہ تھا. خدا کرے کہ جس نے مجھے نیزہ مارنے کا حکم دیا شیطان میں ہو. کوفے کو سکون چاہیے امیر. مختار کی آج رات کی آگ اس دوزخ کی جیسی ہے جو ہم پر برسا دی گئی ہو. لوگوں کے بال بچوں نے کیا گناہ کیا ہے جو رات کا یہ آفت آ گئی ہم پر؟ مختار نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہے. جناب امیر، آپ کب تک بیٹھے انداز میں گروہ سے پیش آئیں گے؟ آپ کو ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے. مختار اجموں کو کوفے میں مسلط کرنا چاہتا ہے تاکہ آل علی کا سارا بدلہ کوفہ سے. کوفے کو سکون چاہیے امیر. اگر اجم کوفے پر مسلط ہو جائے تو عربوں کو تو سر پٹک پٹک کر مر جانا چاہیے. یہ لوگ سالوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کربلا کے بدلے کے بہانے مسلمانوں کے جان مال ناموس کو غارت کر. خاموش خاموش. جناب امین نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی مدد سے آپ کو مختار کے خوف و خطر سے نجات دلائے. سب سے بہترین نعمت معرفت ہے اور سب سے بری ذلت جہالت ہے. خدا کا شکر ہے کہ کوفی امت نے اپنے دشمن کو خوب پہچان لیا ہے. اگر ہم نے آج تک مختار اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نرمی دکھائی ہے تو یہ شریعت اور دین کے حکم کے مطابق تھا. اب جبکہ دشمن نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے اور میدان میں آ کر چلانے لگا ہے، ہم اسے امان نہیں دیں گے. میں نے چاہا کہ آپ لوگ آئیں تاکہ میں خطبہ پڑھوں اور آپ کو دشمن کے جھوٹ اور مفسد عقیدوں کے بارے میں آگاہ کروں. خدا کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ دشمن اور اس کے عقائد کو مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کو میرے خطبے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ علم و ایمان کے اسلحے سے مسلح ہیں تو دشمن کے چنگھاڑنے سے مت گھبرائیے کہ خدا آپ کے ہاتھوں سے جھوٹوں، گمراہوں اور بے دین لوگوں کو مار ڈالے گا. خدا قبول کرے. عبدالرحمن. جی امیر. عبیدہ سے کہو میرے پاس آئے. عبیدہ،
अबीर ने तुम्हें तलब किया है। खुदा कबूल करे अमीर, क्या कोई हुक्म है मेरे लायक? बैठो। और आगे क्या करूं? कहां थे जो नमाज में नहीं थे? तुम्हें लगा कि मैंने शराब पी है? बखुदा कसम, अगर तुमने शराब पी होती तो क़याम की पहली सजा तुम्हें देता। खुदा की पनाह, सारी उम्र दोस्ती के बाद भी तुमने मुझे पहचाना नहीं अबू इसहाक। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूबु इलैह, मुझे माफ कर दो। तो मैं माफ नहीं करूंगा। बगैर बताए गायब हो जाते हो और फिर जब आते हो तो चोरों की तरह अपने आप को छुपा लेते हो, तो फिर शक का हक तो है ना? बेफायदा है अबू इसहाक, तुमने मेरे बारे में बदगुमानी से काम लिया। जब तक ये बात मेरे दिल से ना मिटाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे दिल से कैसे मिटाऊं? बदगुमानी के जुर्म में तुम पर हद जारी करूंगा सबके सामने। मैं तुमसे ज्यादा पागल हूं, अगर तुमने हाथ न चलाए तो नाराज हो जाऊंगा। भाइयों, मैं तुम्हारा नौकर हूं अबू इसहाक, मैंने मजाक किया था, तुम संजीदा क्यों हो गए? मुझ पर हद जारी करोगे या मुझे माफ करोगे? माफ कर दिया तुम्हें, माफ कर दिया मेरे भाई, माफ कर दिया, अब ठीक है। कहां गए हुए थे? दुश्मन की खुफिया तौर पर खबरें लेने गया था। मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं जितना तुमने समझ रखा है। शबस 4000 अफराद के साथ मस्जिद और इसके अतराफ पर मामूर किया गया है। बिन हज्जाज 2000 अफराद के साथ महल के मगरिब को संभाले हुए हैं। राशिद इब्ने अयास 4000 अफराद के साथ बाजार को संभाले हुए हैं। मोहल्ला बिन सलीम को 3000 अफराद के साथ शुम्र व यजीद के हवाले किया गया है। इतनी थोड़ी सी मुद्दत में इतनी सारी फौज कैसे जमा कर ली उन लोगों ने? कूफी आवाम हमेशा ही तवक्का के बरखिलाफ जाहिर करती है। बज़ाहिर हमारी फौज के अजमों को उस्मान का पैरहन बनाकर कूफियों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि मुख्तार अजमी गुलामों को अरबों पर मुसल्लत करना चाहता है। तुमने नमाज जल्दी खत्म कर दी शबस, बेहतर नहीं था कि तुम सूरह वल आदियात के बजाय कोई लंबा सूरह पढ़ लेते? देलमियों ने तुम लोगों पर हमला कर दिया है और तुम लोग ये चाहते हो कि सूरह बकरा या सूरह आले इमरान पढ़ूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुख्तार के लश्कर के अजमों से डरने लग गए हो और चाहते हो कि नमाज लंबी करने के बहाने जंग को ताखीर देते रहो? शाबाश, ये पहली बार नहीं कि अरब अजमों से लड़ने जा रहे हैं। इन अजमी गुलामों को खामखा इतना खतरनाक समझ लिया है तुम लोगों ने। मुझे तो लगता है ये भी मुख्तार की एक चाल है। कैसी चाल? खुदा की कसम, अजमों से ज्यादा खौफनाक अरब है मुख्तार के लश्कर के। तीसरे अस्तर को छोड़कर मुट्ठी भर अजमों का रोना रो रहे हैं आप लोग।
मुख्तार हमारे खैरात को अजमो पर मरकूज करना चाहता है ताकि मालिक अश्तर का बेटा हमें गाफिल करने वाले हमले करके काम तमाम कर दे। दुश्मन के सिपाहियों की तादाद हमसे तीन गुना ज्यादा है जो कि मेरी तवक्को से ज्यादा था। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद और आप में से बाज़ सफेद दाढ़ी वाले हजरात ऐसे हालात का बारहा सामना कर चुके हैं। ये जान लें कि जंग में कामयाब होना दुश्मन का परचम गिराना ही नहीं कामयाबी की राह इश्क खुलूस और साबित कदमी है और खास तौर पर सब्र। शक मत कीजिए, ये खुदा का वादा है। हम तीन गिरोहों में दुश्मन पर हमला आवर होंगे। राशिद इब्ने अय्याज, इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर के हवाले, शबस इब्ने रबी, यजीद इब्ने अनस के हवाले, शिमर और दीगर अफराद मेरे हवाले। अगर दुश्मन के अफराद भाग जाते हैं तो उनका पीछा मत कीजिएगा, और अगर घरों में घुस जाते हैं तो उन्हें अमान दे दो। और याद रखना, किसी भी वजह से जंग को घरों के अंदर मत ले जाना। शहरी जंग में पैदल सिपाही सवार से ज्यादा अहम होता है। तो पहला काम जो करना है वो ये कि दुश्मन के प्यादों को नकारा बना देना है। उनके तीरंदाजों का भी ध्यान रखिएगा, मुमकिन है कि वो छतों पर छुप जाएं। हम सबकी मिलने की जगह कूफा के दारुल हुकूमत के सामने।